स्टार्टिंग में व्यूज कहाँ से लाए, अब ये तो तुमको वही बता सकता है ना जो यूट्यूबर स्टार्टिंग का हो, मतलब अभी अभी उसने चैनल स्टार्ट किया है, तो जो कि मैं हूँ। और एक चीज मैं स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा, ये जितने भी थंबनेल टाइटल के ऊपर बात की जाती है, ये सभी बेकार की चीजें हैं, इनसे कुछ काम नहीं आता है। स्टार्टिंग में व्यूज को लाने का कुछ अलग ही तरीका है, और वो तरीका एकदम अलग सा और बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। उस तरीके से आप काफी सारे व्यूज, और व्यूज आएंगे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइबर भी आएंगे और चैनल भी ग्रो होगा। तो ये सभी चीजें मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे चलकर, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि तुम थंबनेल इम्प्रूव करो और टैग्स बढ़िया लगाओ, डिस्क्रिप्शन बढ़िया लगाओ, टाइटल बढ़िया लगाओ, ये सभी मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, बट आई नो दैट ये काम नहीं करता है मैक्सिमम टाइम्स। स्टार्टिंग में व्यूज लाने का एक ही तरीका है, आप अपने वीडियो को रैंक करा दो। अब आप पूछोगे, हम लोग तो एक स्टार्टिंग का यूट्यूबर है तो क्या हमारा वीडियो रैंक करेगा यूट्यूब पर? तो इसका जवाब है, मैं कहना चाहूंगा ऑब्वियसली करेगा, बट वो मैटर करता है तुम्हारे टॉपिक के ऊपर और तुम्हारा टॉपिक का रेंज के ऊपर। अगर तुम कोई एंड्रॉयड की अनबॉक्सिंग करते हो और वो एंड्रॉयड अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो वाला वीडियो तुम्हारा यूट्यूब पर रैंक नहीं कर सकता। नहीं भी कर सकता बहुत पीछे, बट फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं कर सकता, क्योंकि तुमसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी है यूट्यूब पे जिनका जो सब्सक्राइबर काउंट है बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका वीडियोस रैंक करेगा। तो रेंज बहुत ही मायने रखता है, ये बात को तुम नोटिस कर लो, अब लिख लो कहीं पे। रेंज के साथ टॉपिक को अगर तुम लोगों ने मैच कर दिया, मतलब एक नॉर्मल रेंज, तुम्हारे रेंज का कोई टॉपिक में तुमने बढ़िया से SEO कर लिया, तो वो वीडियो तुम्हारा रैंक कर जाएगा। अब तुम मेरे मुझे देख लो, मैं एक स्टार्टिंग का यूट्यूबर हूँ, बट मेरा ये वीडियो और ये वीडियो तीनों पर टैग्स, मतलब हर टैग्स मैक्सिमम टैग्स रैंक कर गया है। जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है, ये दोनों पर तो मैक्सिमम टैग्स रैंक कर गया है, एक दो टैग्स छोड़कर सभी टैग्स रैंक कर गया यूट्यूब पर। अब मैंने क्या किया था कि मेरे ये वाले वीडियोज रैंक कर गए यूट्यूब पर, अब ये तो बहुत ही रहस्यमय बात है, ठीक है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वो फाइनल चीज ये है कि मैंने SEO किया था। अब SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज है जो कि तुम्हारे वीडियोस को रैंक कराने में मदद करता है। आप अगर मेरे चैनल पर भी देखें ना, तो मेरे चैनल के जो मैक्सिमम व्यूज है सबसे ज्यादा वो यूट्यूब सर्च से आए। अब आप लोग पूछेंगे, भाई तू तो एक स्टार्टिंग का क्रिएटर है, पर तुम्हारे वीडियोज पे सर्च से कैसे व्यूज आ रहे, तुम्हारे वीडियोज क्या यूट्यूब पर रैंक कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा जी हाँ, मेरा वीडियोस यूट्यूब पर रैंक कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को किस तरह से यूज किया वो जान लो। मैंने टाइटल के साथ टैग्स को और टैग्स के साथ डिस्क्रिप्शन को मैच कर लिया। ध्यान से सुनना, टाइटल के साथ टैग्स को और टैग्स के साथ डिस्क्रिप्शन को मैच कर दिया, तो मेरा SEO का काम हो गया। अब ये कैसे करते हैं, तुमने कोई भी टाइटल लिखा, वो टाइटल को अगर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो सभी पार्ट्स को एक एक करके टैग्स में लिखते जाओ और उसी से रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च करके टैग्स लिखते जाओ, और जितने भी टैग्स तुमने यूज किए वो टैग्स सभी डिस्क्रिप्शन में भी होने चाहिए। पहला तो टाइटल कॉपी कर लो, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दो, कुछ इन्फॉर्मेशन बता दो, बट उसके अंदर हिडन टैग्स यूज करना है। फिर आप जितने भी आपने टैग्स यूज किए उसको कॉपी कर लो डिस्क्रिप्शन में, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, वो कि आपका डिस्क्रिप्शन का काम। ये चीजें हैं जो SEO में आपके वीडियोस को रैंक करा दे। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आई नो कोई नहीं बताएगा, बट आप कैप्शन यूज कर सकते हो, आई मीन सबटाइटल्स आप यूज कर सकते हो। सबटाइटल्स यूज करने से तुम्हारे वीडियो का जो सर्च है वो बूस्ट हो जाता है, ये भी SEO के अंदर आता है। अब SEO के अंदर क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। थंबनेल HD में होना चाहिए, टाइटल लंबा होना चाहिए, बट इतना भी लंबा नहीं कि व्यूअर को पढ़ने में बोर लग जाए, मतलब व्यूअर बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते। थर्ड, तुमको अपने टाइटल में टैग्स लगाना है। फोर्थ, तुमको अपने डिस्क्रिप्शन में टैग्स लगाना है। फिफ्थ, तुमको कैप्शन लगाना है। ये सभी चीजें अगर तुम लोगों ने कर लिया तो ऑब्वियसली तुम्हारा वीडियो रैंक कर जाएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैंने ये तुमको ट्रिक बताया। और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।